subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते कोनिचुआ। आजकल जो आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कश्मीर फाइल, बहुत सारे कंट्रोवर्सी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, और आपने शायद देखा भी होगा मूवी को और बहुत रोया भी होगा। लेकिन आपने कभी किसी रियल कश्मीरी से बात किया है? एक्चुअली क्या उन लोगों ने सहा है? एक्चुअल व्हाट वाज दैट? तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कश्मीरी है जो है, जो ब्रिटेन में तो है अभी, लेकिन वो 1990 में कश्मीर में था, डॉक्टर विवेक कौल। डॉक्टर विवेक कौल, वेलकम टू द नो। डॉक्टर विवेक कौल, वेलकम टू द नूपुर तिवारी शो। नमस्ते नूपुर जी। नमस्ते। एंड आज पूरा भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जहां पे इंडियन भारतीय बसे हुए हैं, हर जगह एक ही बात लोग कर रहे हैं, द कश्मीर फाइल और 1990 में आप उधर थे। तो हम जानना चाहेंगे ये कितना सच है और कितना प्रोपोगंडा है। नमस्ते एवरीबॉडी, नमस्ते नूपुर, नमस्ते फॉर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी टू दिस लवली प्रोग्राम ऑफ योर्स। मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ और काफी अच्छा लगते हैं, काफी सीखता हूँ आपके, आपसे और आपके गेस्ट से। इट्स माय गुड फॉर्च्यून दैट यू हैव इनवाइटेड मी टुडे। Yes, I will be talking very honestly about that time और क्या क्या हो रहा था। जो आपने कहा, yes, there is a segment of Indians thinking that it may be propaganda and all that, but I must assure you that जो विवेक जी हैं, विवेक अग्निहोत्री जी और पल्लवी जी, इन्होंने साइमन वाइजेंथल जो हुआ करता था Jewish Chronicle, जिन्होंने लोगों के इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन करी थी, उसी तरीके से कम 5,000 आर्स की फुटेज ली है फ्रॉम द रियल विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। तो अबाउट 700 पीपल ही हैज इंटरव्यूड ओवर 3 इयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हैज बीन, यू नो, हमारा डायस्पोरा हो गया है काफी बिकॉज ऑफ अवर माइग्रेशन। मेनी आर इन इंडिया एंड मेनी आर इन यूएस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा। So Vivek ji is a very very thorough kind of person. He does lot of research. So jo Vivek ji hain, ye inhone research kafi tagda kiya hua hai. Jaise main batau ki hamare ghar bhi ek bari 12 ghante aaye the, hamare ghar jo ek ladki thi uske uncle ko Kishtwar area mein bus se nikal ke mara tha. So he spent 12 hours with the lady interviewing the details. Palvi ji would take over. So inki detailing aur inki jo documentation is thorough. So once you are very thorough with your documentation and research, the rest, as Vivek ji says, becomes very easy. So 90% unhone bola ki maine pehle hi research work ki thi, aur 10% was only film making. So, मैंने देखी ये फिल्म, दो बार देखी। एक बार उन्होंने प्रीमियर पे बुलाया था विद VVIPs, एंड नेक्स्ट आई वांटेड टू सी इट आफ्टर फ्यू डेज ऑन माय ओन। सो आई वुड से दैट यू नो इट इज कंप्लीटली ट्रूथफुल। इनफैक्ट ही हैज पुट वेरी लेस गोरी डिटेल्स, काफी सैनिटाइज्ड वर्जन दिखाया है कहानियों का। उन्होंने क्या किया है, जितनी भी कहानियां हैं, ही हैज ट्रूवन टुवर्ड्स वन फैमिली, but he has been very mild, he has not shown the gory details. So I would say it is not a propaganda, it is a truthful depiction of what happened to our minuscule community in Kashmir in 1990. to aapko, aap ek kashmiri hai aur 1990 mein aap udhar hi the, aur aapke bahut sare stories aise aap jante honge, aapko kya lagta hai ki justice to abhi tak nahi mila, to 1990 se 2022 tak क्यों इतना टाइम लगा? बस ये एक आवाज उठाने के लिए कि राइट द जस्टिस, राइट के लिए, जस्टिस के राइट के लिए एक आवाज, उसके लिए 22 इयर्स लगा। आपको क्यों लगता है ऐसा लगा? इसमें जैसे मैं बोलता हूँ 1990, जैसे एडी और बीसी होता है क्रिश्चियन कैलेंडर में,
तो बीसी में मानता हूं 1990 तक था जब मिलिटेंट्स ने और इस्लामिस्ट ने हमको निकाला, 1990 के बाद मैं इसको एडी मानता हूं कि ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट हो या सरकार हो उनकी इग्नोरेंस से हमको ऐसा रखा गया, बिकॉज 1990 के बाद तो हम रेस्ट ऑफ इंडिया में चले गए थे, तो सक्सेसिव गवर्नमेंट वेयर नॉट बॉदर्ड। प्रॉब्लम ये होती है देवर मोर बॉर्डर टू, मतलब वो चाहते थे कि वो मिलिटेंट्स की तरफ जाएं, उनसे बातें करें, कश्मीर हमको बिल्कुल भूल गए थे, सो मच इतना भूल गए थे कि जो हमारे कैंप्स रिफ्यूजी कैंप्स थे वहां पे कोई हाई लेवल ऑफिशियल भी कभी मिलने नहीं आया, तो मतलब इन्होंने हमको काफी इग्नोर किया था। ठीक है छोटे परसेंटेज है तो क्या हुआ, इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई थी फ्रॉम मतलब हम जब अमीर थे हमारे घर थे उससे हम डेस्टिट्यूट हो गए थे, टेंटू में रह रहे थे, तो इट्स जस्ट द कैलसनेस है और जिसने हमें यहाँ पहुंचाया। सक्सेसिव गवर्नमेंट, मैं कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, पूरी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने हमको इग्नोर किया और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं दे लुक द अदर वे, उल्टी तरफ देखा, हमको पूरा नेग्लेक्ट किया। आजकल मैं देख रही हूँ कि तब के कुछ प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री के फोटो मैंने देखा यासीन मालिक के साथ फोटोज है, तो प्रधानमंत्री जी का फोटो यासीन मालिक के साथ है जिन्होंने ये सब किया, लेकिन उनका फोटो कश्मीरी पंडित के साथ नहीं है, आपको क्या लगता है? जैसे मैंने कहा जितने भी ये ऑफिशियल लोग थे दे वर इग्नोरिंग अस बिकॉज हमारी वॉइस नहीं थी, पहले तो हम बहुत स्मॉल परसेंटेज है, 5-6 लाख है, उन्होंने समझा 5-6 लाख क्या होता है इन्हें, यू नो इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ है, तो इनको उन्होंने ये नहीं सोचा कि सेंसिटिव यू नो हमारी ह्यूमन राइट्स है, हमारी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुई है, इट्स जस्ट द इग्नोरेंस ऑफ द सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स, और इनके एजेंडा में नहीं होता था, देवर मिल्क कुछ पार्टीज हैं मैं नाम नहीं लूंगा, वो हमारी यू नो माइग्रेशन को काफी इलेक्शन में यूज करते थे बट उसके बाद भूल जाते थे। मगर एक चीज ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपने जिस प्राइम मिनिस्टर की बात करी वही एक प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह जो आए थे जगती 2010 या 2011 में आए थे जब वो हमारे टेंट से वहां पे फ्लैट्स बनवाए थे, तो मनमोहन सिंह इनॉग्रेट करने आए थे, इतना मैं मुझे मालूम है, एक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आए थे, बाकी किसी ने कोई हमको यूज किया इलेक्शनरिंग में, ये विस्थापित है ये है टू गेट वोट्स, वोट्स के लिए हमको सबने यूज किया मगर प्यार और मोहब्बत किसी ने नहीं दिखाई, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो 1990 में ये तो हमने मूवीज में, इस मूवी में द कश्मीर फाइल में हमने देखा है और आप बता रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है, जो भी दिखाया है ये सच है, तो और आपने ये भी बताया कि जितना दिखाया गया उससे ज्यादा हुआ था, आप थोड़ा सा बोलना चाहेंगे आपके खुद के एक्सपीरियंस कि उससे ज्यादा क्या हुआ था? जैसे कोई डेथ हुई है के बारे में दिखाया, उससे पहले 10 दिन लगातार रेप करना उस लेडी को, उसके टुकड़े टुकड़े करना, ये चीजें उन्होंने नहीं दिखाई है स्टोरी में। It was much more brutal than what जो इन्होंने दिखाया है, कोई भी कहानी को इन्होंने काफी थोड़ा, I agree with him, इतनी गोरी details स्क्रीन पे नहीं दिखानी चाहिए, अब कैसे आप रेप दिखाओगे 10 दिन में 20-30 लोग रेप कर रहे हैं, तो वो उन्होंने sanitize किया, मैं I agree with him, आप भी agree करेंगे इतनी गोरी details नहीं दिखानी चाहिए, और एक 100 का दिखाया है, वैसे ये 100 में लेडी को काटा है, तो वैसे ही लोगों को छोटे छोटे टुकड़े करे किए गए थे, उनको सैक्स में डालते थे और फिर दरिया में फेंकते थे, तो इन्होंने दे ही, इनको अपनी स्टोरीज मालूम है लेकिन उन्होंने इतनी गोरी डिटेल्स नहीं दिखाई है। आई एग्री वो इतनी गोरी है कि वो स्क्रीन पे यू नो नहीं देखनी चाहिए लोगों को, पढ़ लेना चाहिए, बुक्स हैं वहां पे जैसे जगमोहन गवर्नर की है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, या राहुल पंडिता की है Our moon has blood clots, कुछ बुक्स हैं जिसमें ये पूरी डिस्क्राइब है, तो आई थिंक ये बुक्स में ही रहनी चाहिए, बिकॉज एट यू नो एट द लेवल आप टीवी पे दिखा मतलब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये बिल्कुल इट विल लुक रियली गोरी, उतना भी नहीं करना चाहिए। आई एग्री विद विवेक जी, उन्होंने जितना दिखाया है ठीक ही दिखाया, जैसे लास्ट सीन है वो नंदी मार्ग का 23-24 लोगों को मारा था इंक्लूडिंग बच्चा,
तो वो सही है, वो ही हैज एंडेड द मूवी ऑन द राइट नोट कि ऐसा हुआ था, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो विवेक जी, आपके फैमिली कहाँ से है कश्मीर के? हम श्रीनगर के हैं, और श्रीनगर में एक जगह है जवाहर नगर, वो एक कॉलोनी बनी थी 60s में, तो वहां पे रहते थे हम, वहां हमारा बड़ा मकान था, डैडी चीफ इंजीनियर थे, मम्मी डीन थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, a good family, hard working, middle class family. और 90s के बाद आप लोग भी मूव कर गए? हाँ, इस पिक्चर में शायद वो अच्छी तरह दिखाया नहीं गया है, क्योंकि देखिए बिल्ड अप टू 19th हुआ था, ये नहीं हुआ था कि मतलब वो दिखा नहीं पाएगा विवेक, कितना वॉइस ओवर करना पड़ेगा, शायद वो डॉक्यूमेंट्री जो बनाएंगे, जितनी भी हमारी कहानी है उनकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी, उसमें शायद ज्यादा होगा। 19th को एकदम नहीं हुआ, उससे पहले रुबिया सैयद जो थी होम मिनिस्टर की बेटी, उसको किडनैप किया था, उससे 4-5 वो टेररिस्ट छोड़े गए थे, तो लोगों ने समझा कि आजादी इज राउंड द कॉर्नर। सो जनवरी पूरा इसी जद्दोजहद में हुआ कि हम क्या चाहते हैं आजादी, और वो बेनजीर भुट्टो का जो वीडियो देखा होगा आपने, वो चल वो हो रहा था। तो 19th को स्पेसिफिकली नहीं हुआ था, उससे पहले बिल्डअप हो गया था। अच्छा। it culminated in 19 January because मुझे अपनी मेमोरी से याद है कि जगमोहन को लाया गया था 19th को, शायद उनको दिल्ली से, वो इसलिए हुआ था, वो भी मुझे याद पड़ रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट वॉज द पार्ट ऑफ वीपी सिंह गवर्नमेंट, आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी, दे हैड पुट प्रेशर दैट जगमोहन को ही लाइए, बिकॉज उनका पहले टेन्योर वॉज वेरी फ्रूटफुल, उसको तो एक किस्म का बादशाह या पैगंबर बोलते थे, उसने काफी अच्छे काम किए थे एज गवर्नर, बिकॉज गवर्नर रूल हो गया था, तो उन्होंने कहा जगमोहन नोज लॉट ऑफ स्टोरी, ही नोज द मतलब उनको टेरेन मालूम है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स मालूम है, तो उन्होंने आई थिंक इट वॉज बीजेपी डेफिनेटली हु हैड प्रेशराइज्ड वीपी सिंह गवर्नमेंट की जगमोहन को जी को भेजिए। तो जैसे फिल्म में दिखाया 19th को वो हुआ जो इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट करना था, रलेव गलेव सलेव, अपनी औरतों को छोड़ दो, स्पीकर ये मस्जिद के स्पीकर से बोल रहे थे आप चले जाओ, वो हुआ, लेकिन कश्मीरी हिंदू उसी रात को नहीं गए, बहुत कम गए होंगे, कितने 5 लाख या 4 लाख में से कितने, मे बी गाड़ियां आप अगर 15-20-30 गाड़ियां भी लगाओ, 200-400-500 गए होंगे ऑन दैट पर्टिकुलर 20th of January समझिए आप, बट ओवर द पीरियड पीपल चले गए, जैसे हम थे, हम फरवरी में गए बिकॉज मेरे डैडी का नाम हिट लिस्ट में आ गया था, हमको एक हमारा एक मुस्लिम फ्रेंड है वो मस्जिद जाता था, उसने कहा डैडी को कि आपका नाम मैंने लिस्ट में देखा है कि आप कुछ करिए इसके बारे में, तो डैडी ने वजाहत हबीबुल्ला वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे, तो उनसे डैडी ने मुलाकात करी थी, उन्होंने भी बोला कि यू नो खोलसा हुआ कुछ दिन के लिए जम्मू जाइए, तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू ट्रांसफर डैडी एज चीफ इंजीनियर टू जम्मू, वो फरवरी की बात है। तो ऐसे ही मैंने जैसे हमारी वो हमारे घर वो लड़की आई थी जिन्होंने विवेक जी को अपने अंकल के बारे में डेथ बारे में बोला, तो उनसे भी मैंने पूछा था, वो सितंबर 1990 में निकले थे, तो पीपल स्लोली माइग्रेटेड आउट व्हेन दे थॉट कि कुछ होने वाला नहीं है, डेथ्स हो रही हैं और पीपल आर गेटिंग किल्ड, सो पीपल ये ऐसा नहीं था कि आप 19th को ही अपने सारों ने एक इकट्ठे बस पकड़ी, तो इट वॉज अ ग्रेजुअल माइग्रेशन जो फिल्मों में दिखाई नहीं, और लोग टीवी पे टीवी डिबेट्स में भी इसके बारे में बात नहीं करते बिकॉज वो थे नहीं वहाँ, मेनी ऑफ दिस कश्मीरी जो टीवी पे आते हैं वो नहीं, वो पहले ही निकले थे, वो 1980s में थे, तो इसकी बारीकी बारीकी में नहीं जाते हैं कि 5 लाख लोग कैसे एक ही दिन चले जा सकते हैं, 294 किलोमीटर की जर्नी है टू जम्मू और नगरोटा, तो दे कांट मूव इन द सेम नाइट, इतनी बसें ही नहीं है, तो इट हैपेंड ग्रेजुअली थोड़ा सा ऐसा एग्जिजरेट करते हैं या वो स्टाइल होता है फिल्म मेकिंग का कि ड्रामेटाइज करके दिखाना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा स्टोरी भी तो नहीं ड्रैग कर सकते ना, एक फिल्म को 5 घंटे नहीं कर सकते, हाँ तो ये दिखाना पड़ता है। मैं फिल्म मेकर हूँ नहीं लेकिन शायद ऐसा ही होता होगा शायद। तो एक्चुअली इमोशनली जब तब सब कुछ छोड़ के जब आपको आपके पिताजी को बोला गया कि आप कुछ दिन के लिए जम्मू चले जाइए, तो
तब कैसा था इमोशनली कि सब कुछ ये पूरा घर पूरा काम सब कुछ छोड़ के हमें कहीं और जाके रहना होगा? तो उतना खराब नहीं था, I'll tell you why. Because वजाहत हबीबुल्ला वो चीफ सेक्रेटरी थे शायद. I met him later on also. 2012 में मिला था. He asked about my daddy. वो माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन बने थे और वो जो इंडिया का राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी चेयरमैन या कुछ थे वो. तो ही आस्क्ड मी अबाउट माय डैडी कश्मीरी. अरे वो कोल साहब कैसे हैं यार, वो तो इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड कहाँ रहते हैं ऑल दैट. सो ही रिमेम्बर्ड माय फादर वेरी वेल. तो उन्होंने भी जो आश्वासन दिलाया था लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन उस जमाने में, वही कहती थी एक दो महीने के लिए जाइए, वापस तो आना ही है. तो सब यही कहते कि एक दो महीने की बात है. तो इट वॉज नॉट कि आपको आना ही नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं बोला था. अच्छा. बाद में ऐसा हुआ. बिकॉज आपको एक चीज और भी बताऊं, अराउंड 3rd मार्च आई मैरिड इन जम्मू. 3rd मेरी शादी थी. उन दिनों मुझे ये याद है, उन दिनों 3rd या 4th को राजीव गांधी ऑल पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कश्मीर गई थी. उसमें राजीव गांधी भी थे और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल भी थे. 4-5 लोगों की गई थी टू स्टॉक फाइंडिंग और कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वहां पे. एज यूजुअल उन्होंने आपस में लड़ाई करी कि जगमोहन ने उसको एयरपोर्ट में प्रोटोकॉल नहीं दिया, जगमोहन राइट साइड पे बैठा. उसी में इन्होंने अपने 3 दिन वेस्ट किए. They did not do the वो काम नहीं किया जिसके लिए इनको भेजा गया था. तो ये बिल्डअप हो रहा था. बट जैसे आपने कहा कैसा लगा, ये ऐसा नहीं लगा कि हमने कहा हमारा घर है, एक दो महीने के बारे में बोल रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं. और उसको भी मालूम नहीं था. आई डोंट ब्लेम हिम. तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में जो क्लूलेस थी, क्या हो रहा है उनको समझ नहीं आ रहा था. बिकॉज उनके दे वर नॉट कोऑर्डिनेटिंग और थिंकिंग राइटली. अदरवाइज यू नो आप ये सवाल पूछ भी लेगी कि आर्मी का जो कंटोनमेंट बादामी बाग इज इन द सेंटर ऑफ श्रीनगर, तो दे कुड हैव टोल्ड आर्मी टू हैव वाइट फ्लैग मार्चेस टू यू नो टू हमारे हिंदू और जो भी हैं उनको थोड़ा सा आश्वासन दिलाने के लिए वाइट फ्लैग मार्चेस हो सकती थी. वो बिल्कुल नहीं हुई. तो ये ऐसा ये मैं बोलना चाहता हूँ. इट वॉज नॉट इमिजिएट कि आप वापस नहीं आएंगे, ये था कि एक दो महीने के बाद आप आ जाएंगे. लेकिन कभी वापस नहीं गए उसके बाद? नहीं, उसके बाद तो हालात और भी खराब हो गए कि वो जो इस्लामिस्ट हैं वो AK-47 लेके सड़कों पे आए, मकान जलाए. हमारे मकान जो है उन्हें जला दिए. उन्होंने इनको बेस्ट चीज है इनको नहीं आने से पहले इनके मकान जलाए जाए. तो कश्मीरी पहले तो हमारे मकान का जो घर था उसको जला दिया गया. हाँ, पहले लूटा पूरी किताबें और बर्तन सबके वो लूटते थे और फिर वो सड़कों पे बेचते. लाल चौक में हमारी किताबें और हमारे बर्तन बर्तन बेचते थे. बिकॉज हमारे घरों में किताबें बहुत थी. एज ए रद्दी के हिसाब से हमारी किताबें बिकती थी और हमारे बर्तन जितने भी थे बड़े बड़े उनको भी बेचते थे. तो उसके बाद उन्होंने बोला चलो इनको वापस नहीं आने देंगे. तो एक फरमान निकला कि इनके मकान जला दो. तो 2nd-3rd फ्लोर में जला देते थे. तो मकान थोड़ा आधा ही चलता था और बट आने का कोई तो बट बेसिकली इट वॉज एन ऑर्केस्ट्रेटेड कम्प्लीटली कमांड एंड कंट्रोल. मस्जिद में बैठ के ये डिसाइड करते थे करना क्या. फरमान आता था और कैसे इनको वापस ना लाया जाए. ये पूरी मीटिंग्स होती थी इन सब की. बिकॉज सम ऑफ द पीपल जो ये कुछ लोग थे वो हमको जानते भी थे. वो हमको जम्मू मिलने आते थे. कुछ मुसलमान हमारे फ्रेंड्स थे वो मेरी शादी पे आए थे 3rd March 1990 को. काफ़ी आए थे कश्मीर से. वो कह रहे थे ये मुझे हमको लगता नहीं आप लोग वापस आओगे कि हालात वहाँ बड़े ख़राब हो गए, मकान जल रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है. हम नहीं समझते हैं कि. और ज्यादा गुस्सा उनको जगमोहन जी के लिए था कि इनको कैसे लाया गया. बिकॉज दे थॉट जगमोहन इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही विल ब्रिंग द ऑर्डर बैक. आई डोंट थिंक ही सक्सीडेड दैट मच. आई थिंक मई और जून के 1990 में उनको वापस भी बुलाया गया. दैट इज फ्रॉम माई मेमोरी. तो अब उसके बाद कभी आप अपने घर गए हैं? 2012 में गया था. तो वो मकान तो जैसे मेजोरिटी ऑफ कश्मीरी हिंदूज ने अपनी प्रॉपर्टियां 1996 में बर्न्ड प्रॉपर्टीज बेची थी. उसका ज्यादा पैसा आया नहीं था. मेरी 3-4-5-6 लाख जो आजकल करोड़ों में जाती हैं. तो डैडी ने भी एक वो ये आते थे जम्मू लोग कि अपनी प्रॉपर्टी भेजो ये वो सब हिंदुओं के घरों में आते थे. तो बेची हमने. तो बगैर वो जो हमारा जो हमारा नया घर वहां बनाया जो एक मुस्लिम लेडी है वहां पे उसको मिलने गया था मैं. बड़ी अच्छी है उन्हें काफी. मेरी मम्मी को ओवरनाइट भी रखा था उन्होंने. तो आई मेट द ओनर ऑफ अवर हमारे मकान की जो नई मालकी है मालिकान है उसको मिला था मैं. अच्छी है वो लेडी.
काफी उनकी गलती तो नहीं है, उन्होंने मकान खरीदा हमसे और दैट वाज द टाइम, बट मकान बदल गया था, बिल्कुल जला हुआ था, उन्होंने नया बनाया था, तो उस मकान में मैं गया हूँ 2012। इमोशनल हुए थे आप जब आपने देखा? मैं जाना नहीं चाहता था, तो मेरे साथ मेरी वाइफ और दो बच्चे थे, तो दे फोर्स मी कि एक तुम्हें करना ही पड़ेगा। आई वाज वेरी इमोशनल, आई डिडंट वांट टू सी माय ओल्ड हाउस और वही गलियां वही कोचे जहां से हमको निकाला गया था। वो दिन एक्चुअली आपने बड़ा इमोशनली सही पूछा मुझसे कि वो दिन बड़ा जिंदगी का बड़ा दुखी दिन था। नॉर्मली मैं बड़ा खुश रहता हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, बट वो उस दिन में बड़ा थोड़ा दुखी था और करना था, मेरी वाइफ और बच्चों ने फोर्स किया, लेकिन लुकिंग बैक अच्छा ही फोर्स किया क्योंकि मुझे ये क्रॉस करना था इमोशनल बैरियर, और मैंने किया, थोड़ा मैं काफी दुखी था उस दिन। एक क्लोजर की जरूरत थी। हाँ, एक किस्म का वो भी क्लोजर देते, काफी क्लोजर हमको चाहिए, इमोशनल और रिहैबिलिटेशन कमीशन, ये वो भी एक क्लोजर था, मकान देखना था। हाँ, मुझे अपना घर। और एक्चुअली ये जो मूवी आज इंडिया में चल रहा है, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी चल रहा है, जैसे केस भी शायद किया गया था इसके रिलीज से पहले कि ये रिलीज ना हो पाए, उसके बाद क्योंकि और ज्यादातर केसेस मुस्लिम से आ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि अगेंस्ट मुस्लिम है। अभी आपने जो बताया कि मुस्लिम लीडर ने आपके पिताजी को बोला था जम्मू जाने के लिए, मुस्लिम आपको, जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे आपको, तो ये क्यों बोला जा रहा है कि कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल इज अगेंस्ट मुस्लिम, क्यों ऐसे बोला जा रहा है? अगेंस्ट मुस्लिम नहीं है, ये ट्रुथफुल मूवी है। अगर 90% मुसलमानों ने चुप बैठे और मिलिटेंट का काम किया तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एंटी मुस्लिम इस्लाम है, बिकॉज सच्चाई दिखाई गई है। अब रली गली हुए चले या उनके नारे हम क्या चाहते हैं आजादी, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफ़ा, ये चीजें थी और मस्जिद वेयर द सेंटर जहाँ पे हमारे अगेंस्ट बातें हुआ करती थी होती थी, तो सच्ची बात है। अब इसमें कोई इसको आप कैसे छुपा सकते हैं कि आप वहाँ थोड़ा कोई गुरुद्वारा या कोई टेम्पल दिखाए पाए किसी को सच, मतलब इसको कवर अप करने के लिए, जो बात थी वो दिखाई जा रही है। और इंडियन सेक्युलरिज्म में एक बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सच नहीं बोल पाते, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं और या मीडिया में होते हैं वो सच नहीं बोल पाते हैं, वो एक किस्म का इसको शुगर कोटिंग करते हैं। इस पिक्चर में इन्होंने शुगर कोटिंग नहीं करी है, जैसा था वैसा ही दिखाया, इसे कम भी दिखाया है, मतलब यू नो आई थिंक इट इज मच, काफी माइल्ड दिखाया है बट ठीक दिखाया है। अब क्या, अब यू नो जैसे मैंने कहा, यू कैन नॉट शुगर कोट, सच्चाई को शुगर कोट नहीं कर सकते हैं। एकदम। तो क्यों इसको जेनोसाइड नहीं डिक्लेयर किया गया था? आज जिसको जेनोसाइड बोला जा रहा है, तब उसको क्यों जेनोसाइड नहीं बोला गया था? ये आप ये किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर से पूछिए, बिकॉज उनकी उतनी ही गलती, मैं इस्लामिक टेररिस्ट की गलती मानता हूँ 20%, लेकिन 80% गलती आफ्टर 1991 इज बिकॉज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्हीं ने अपने, अगर आप अपने बच्चे को निगलेक्ट करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, मतलब अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको उनको मालूम है, हमने दुख क्यों सहा वहां पे, बिकॉज हम हाइपर पेट्रियोटिक थे और इंडियन थे, उसी वजह से हम, रिलीजन माइट बी द कॉज बट बेसिक कॉज वॉज दिस इस्लामिक टेररिस्ट थॉट कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वहां के हाइपर पेट्रियोटिक लोग हैं। हमने दुख भी बहुत सहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और भारत के लिए, बट वही गवर्नमेंट अगर आपको निगलेक्ट करेगी और आपके जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट या जो भी है उनके साथ बातें करते रहेगी, उनके साथ शेक हैंड करेगी, उनको पैसे देगी, तो कैसा फील करेगा कि समझो आपको आपके पेरेंट्स ही निगलेक्ट कर रहे हैं। बिट्रेड, अबैंडन्ड इज मोर, अबैंडन्ड, या एग्जैक्टली, कंप्लीटली बिट्रेड तो होता है, चलो किसी बीबी को बिट्रे किया, किसी हस्बैंड को बिट्रे किया, तो अबैंडन मतलब छोड़ ही दिया, तो दिस इज अ क्रिमिनल नेगलिजेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सक्सेसिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए One of the reasons for them, हमको Commission of Inquiry नहीं दे रहे, ये भी एक रीजन हो, Commission of Inquiry नहीं निकलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कि 1990 तक तो आप यू कैन ब्लेम इस्लाम, यू कैन ब्लेम द टेररिस्ट, यू कैन ब्लेम रेडिकल इस्लाम, सॉरी नॉट इस्लाम, तो बट आफ्टर 90 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये टीवी पे शुगर कोट कर रहे हैं, नहीं जी इन्होंने ये किया, बट वॉट has successive government of India, मैं किसी particular government of India को blame नहीं कर रहा हूँ, because I'm very honest, successive government of India have neglected
as you said, and abandoned us, which is much more severe. Yeah. So, आपने बोला कि हम we loved India and definitely you are Indian, so that's why you loved India. जब ये अगर कोई government अगर आपको abandon कर दे तो I think it's just kind of betrayal also. कि जो complete betrayal. Yeah, yeah. Betrayal and abandon. Abandon and betrayal. कि आप उनको छोड़ के आप जो terrorist है उसके साथ हाथ मिला रहे हो, उसको कुछ और नाम दे रहे हो. इसको militant. बहुत बुरा लगता था. बहुत बुरा लगता था. हमारे जितने कश्मीरी हिंदू हैं हमको जलालत होती थी अंदर से कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे दुश्मन जिन्होंने हमको मारा उनके साथ शेक हैंड करके उनको यहाँ कोठियां दी थी. दे हैड ह्यूज प्रॉपर्टीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रॉपर्टी मालविया नगर में, जिलानी को प्रॉपर्टी, उनकी फ्री ट्रीटमेंट, वीवीआईपी ट्रीटमेंट एम्स में, प्राइवेट, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर बेयरिंग. प्लस रिश्वत, 100 करोड़ का कुछ बजट था रिश्वत बांटने का. कैसा फील होता आपको? ये तो मतलब ये तो कंप्लीट बिट्रेयल है. कंप्लीट बिट्रेयल है. अभी भी है उनका प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी होगी, क्यों नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं है, बट तो दी तो थी उनको. फ्लैट सब दिए थे उनको मालविया नगर में, सब टेररिस्ट को सरकारों ने दिए थे. दिस इज इनसेन. इसीलिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं आता है, बिकॉज ये सब सच्चाई निकलेगी. उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उतनी ही ब्लेम की जाएगी जितने इस्लामिक टेररिस्ट. That is one of the reasons ये क्यों नहीं हमको commission of inquiry और commission of rehabilitation देते हैं. They are not ये पागल नहीं है, ये reason है क्योंकि सच्चाई उभर के आएगी, क्योंकि हमारी भी testimony जाएगी, हम लोग जाएंगे, मैं जाऊंगा बोलने के लिए, मैं सवाल पूछूंगा commission of inquiry से इन्होंने क्या किया. तो उसको deflect करने के लिए ये IAS officers और politicians चाहते ही नहीं है कि सच्चाई बाहर निकले, which is a complete betrayal. बहुत सारे files खुल जाएंगे. बहुत बहुत. तो आज अगर आज मोदी जी इनको सपोर्ट, क्योंकि मोदी जी का बोल देखा मैंने उनका स्पीच कि ये द कश्मीर फाइल को उन्होंने बहुत से प्रेज किए और सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिस इज द चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी है, आज अगर गवर्नमेंट इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट तो नहीं बोलूंगी, मतलब एटलीस्ट बात कर रहे हैं, तो ये प्रमोट ही कर रहे हैं, ये किस हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं, पार्लियामेंट कर रहे हैं. मैंने देखा कि किसी पिक्चर के बारे में पार्लियामेंट में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला है अभी तक. प्रमोट कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रमोट कर रहे हैं. तो प्रमोट कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि 1990 से आज 2022 में क्या चेंज आया कि एक प्राइम मिनिस्टर द कश्मीर फाइल को पार्लियामेंट में प्रमोट कर रहे हैं? कुछ और दे डोंट, कोई और ऑप्शन नहीं है. ये मूवी इतनी पॉपुलर हुई है, लोग रो रहे हैं, आपने देखा होगा वीडियोस में, लोग पिक्चरों में रो रहे हैं, बाहर जाके भारत माता की जय बोल रहे हैं, रोना धोना. तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अवॉइड नहीं कर सकती है. ये एक मूवमेंट है, अगर उन्हें अवॉइड किया होता इट इज यू नो अच्छा नहीं लगता. तो ही इज ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो. तो बट इस प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग. जब तक कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं आएगा, कमीशन ऑफ रिहैबिलिटेशन नहीं मिलेगा हमको, तब तक ये सब आई वॉश है. क्योंकि करंट बीजेपी गवर्नमेंट ही 2014 से आई है, अभी तक उन्होंने उनको कमीशन ऑफ इंक्वायरी और रिहैबिलिटेशन नहीं दिया है. सो आई कैन नॉट से दैट यू नो दे आर प्रो. जब तक नहीं आएगा यू नो, जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे. जब तक मैं पासपोर्ट ना देखूं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी और रिहैबिलिटेशन का, ये सब मेरे को ड्रामा लगेगा सबका. I'm not against any particular government. ये सब ड्रामा लगेगा. जब तक हमको कमीशन ऑफ इंक्वायरी और कमीशन ऑफ रिहैबिलिटेशन नहीं मिलेगा, ये तब तक ही मैं खुश होऊंगा कि कुछ हुआ. जैसे ज्यूज को काफी 2000 साल तक इसराइल के बाहर रखा गया था, फिर 1948 में उनको ज्यूइश स्टेट इसराइल मिला, तभी उनको लगा कि हमको अपना स्टेट मिला. तब तक तो उनको डामाडोल कर रहे थे. तो जैसे इसराइल को, ज्यूज को इसराइल मिला, हमको अपना कमीशन ऑफ इंक्वायरी और रिहैबिलिटेशन मिलना चाहिए. Then only will it all be लगेगा कि सच्चाई बोल रहे हैं. तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई मार्च या कोई डिमांड सरकार से? मार्च वार्च क्या, ये गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये जो they have to do the right thing. जो इमोशनल और जो बातें हैं गवर्नमेंट को भी मालूम है उनको क्या करना है. गवर्नमेंट कोई बच्चा नहीं है, गवर्नमेंट को मालूम है उनको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए. इससे मार्च वार से कुछ नहीं होता है. ज्यूज जो थे वर्ल्ड वॉर टू में, उनको जब गैस किया गया, उन्होंने कोई मार्च नहीं करी इसराइल लेने के लिए. ये एक मॉरल ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की कि अपनी तरफ से सोचे कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ है. और उनको पैट्रियोटिक लोग हैं, हम कोई ऐसे नहीं है कि हम देशद्रोही है, उनके साथ क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को भी मालूम है.
एक मॉरल ड्यूटी है उनकी और कि हमको ये एक ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी और रिहेबिलिटेशन दे दे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। उसमें हमको कोई मार्क्स की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत नहीं है। जो सबसे बुरा आदमी, जो सबसे इफेक्टेड आदमी होता है, उसकी वॉइस नहीं होती है। जैसे आप कभी A&E या कैजुअल्टी जाइए हॉस्पिटल में, जो सबसे बुरा, जो सबसे पेशेंट होता है, जिसको सब कुछ होता है, वो चिल्लाता नहीं है। ही इज कम्प्लीटली ऑलमोस्ट डेड और नियर डेड, उसको रिवाइव किया जाता है। वो ये नहीं बोलता है कि मुझे बचाओ। वॉकिंग वुंडेड जो होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं जी हमको स्टिच कर दो। तो हमारा वी आर नॉट वॉकिंग वुंडेड, वी हैव ऑलरेडी यू नो वी आर ऑलमोस्ट नियर डेथ। तो गवर्नमेंट नोज एग्जैक्टली वॉट इज टू डू, दे नो एग्जैक्टली वॉट वी आर डिमांडिंग, उनको पूरा मालूम है। जब तक वो नहीं दे पाएंगे ये, तब तक कुछ नहीं होगा। और एक सवाल है, जो फिल्म में पल्लवी जोशी जी का जो कैरेक्टर है, कभी रियल लाइफ के कैरेक्टर से मिलता जुलता है जैसे लोग बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग अभी भी भारत में हैं और ऐसे लोग अभी भी ऐसे टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं? 2 साल पहले ही हमने देखा, तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं? अभी भी इसको जेनोसाइड नहीं बोला जा रहा था, अभी शायद पहली बार इसको बोला जा रहा है। जो इस टाइप के लोग, वन हैज टू बी स्ट्रिक्ट। अगर आपने मैकार्थीज्म पढ़ा हो, अमेरिका में कम्युनिज्म जब आया था 50s में, दे वर हंटेड डाउन। जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी, गवर्नमेंट इज लूजिंग द बैटल। जैसे आपका शाहीन बाग है, इट वॉज फेस्टर्ड फॉर 2-3 months, फार्मर्स एजिटेशन। ऐसा नहीं होता है, यू नो, वन हैज टू बी स्ट्रिक्ट। Patriotism has to be the only option. Canada का Prime Minister है, उसने इनको truckers को अंदर नहीं किया। तो one has to be very strict। तब तक administration strict नहीं होगी, ऐसे लोगों को, आप 5-6 लोगों को, जैसे शेख अब्दुल्ला 1953 से लेके ऑलमोस्ट 20 साल तक जेल में था फॉर ट्रीजन, कुछ नहीं किया था। उसने कहा था कि प्लेबिसाइट या कुछ होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो अपने हमारे रूल्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिसका राधिका मेनन इसने रोल किया, ऐसे बहुत लोग हैं JNU में, इन सबको, few of them have to be taken to task or put in jail according to the law of the country, which is the sedition, anti-sedition law. तो बाकी खुद सुधर जाएंगे। मुझे अभी भी याद है जब इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने कुछ लोगों को अंदर किया था, पूरी इंडिया के लोग डिसिप्लिन हो गए थे। तो जब तक सख्ती नहीं डाली जाएगी कुछ लोगों में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक कुछ नहीं होगा। ये लुकिंग द अदर वे इज नॉट एन ऑप्शन। अब किसी और साइड देखो और ये कर रहे हैं, वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में तो वही इमरजेंसी नहीं ला सकते। इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेडिशन, एंटी सेडिशन लॉ है, इनको ट्राई करिए और उनको जेल में डाल दीजिए 10-15 साल के लिए। देयर आर प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इसे देशद्रोही लोगों को अंदर करने का। जब तक ये नहीं होगा, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। वन हैज टू फॉलो द लॉ। फॉलोइंग लॉ इटसेल्फ इज नॉट फॉलोइंग द लॉ, एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है ऐसे लोगों को चैलेंज करें और कोर्ट केसेस करें। तो यू आर राइट। तो मूवी में दिखाया गया जैसे उसका नाम कृष्णा, कृष्णा एक्चुअली एंटी कश्मीर, आई थिंक ही वाज विद टेररिस्ट बिकॉज ही वाज ब्रेन वॉश्ड। तो और ऐसे कुछ लोग, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखा, जो कश्मीरी पंडित है, जो जर्नलिस्ट है, लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं है कि वो जेनोसाइड था। तो आपको लगता है कि कश्मीरी, उनके शायद उनके पेरेंट्स, दे वेंट थ्रू वो 90s में, और वो भी शायद छोटी थी या छोटा था, तो आपको लगता है कि वो लोग बिकॉज दे आर जर्नलिस्ट वैसे कर रहे हैं, या दे डोंट बिलीव इन दैट कि ऐसा हुआ? जैसे मैं कहता हूँ, इंडियन सेक्युलरिज्म में काफी झूठ बोलना पड़ता है, यू हैव टू शुगर कोट लॉट ऑफ थिंग्स। सच्चाई कोई नहीं बोलता है। मैंने जितने भी टीवी डिबेट्स है, मैंने आज अपना फेसबुक में वो डाला भी है पोस्ट में, कि सच्चाई कोई नहीं बोलता है, सब इसको शुगर कोट करना चाहते हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। सच नहीं बोलते हैं कि इसको शुगर कोट करेंगे, नहीं जी सारे अच्छे नहीं थे, सारे ठीक थे, 2-3% खराब थे। जब तक ये सच नहीं बोलेंगे, तब तक दिस इंडियन सेक्युलरिज्म इज अ बिग इसमें कुछ दम नहीं है। ये ऐसे ही जर्नलिस्ट, जैसे आपने बोला, ऐसे बहुत हैं जो ये शुगर कोट करते रहते हैं, जस्ट लुक गुड। एक वर्च्यू सिग्नलिंग होती है, स्टेट ऑफ माइंड, जो दिल में होता है, जबान पे नहीं होता है। तो ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, ये उस हर एक चीज को शुगर कोट कर लेते हैं, विच इज नॉट राइट। अगर कोई आपकी कम्युनिटी सफर कर रही है, उसको शुगर कोट करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यू आर जस्ट बीइंग विद द एनमी। एग्जैक्टली। दम नहीं है।
That's true. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, आज की कश्मीर को देख के आपको क्या लगता है? आज के कश्मीर जहाँ पे 370 नहीं है. That I should say, yeah, 370 जो मोदी साहब ने लाया, चेंज किया, that was a seminal moment. You know, अगर मोदी साहब, हम तो नहीं रहेंगे 100 साल में, ना मोदी साहब रहेंगे ना आप रहेंगे, लेकिन लोग ये बात करेंगे कि 370 किसने निकाला था. दिस वॉज, मैं बहुत परेशान था, मैं परेशान इन अ नाइस वे कि कैसे हो गया. मैंने 3rd or 4th August को लिखा था यार इसमें कोई दम नहीं है, गवर्नमेंट में कुछ नहीं होगा. When it happened, it came as a shock to me कि हुआ कि हमारी जिंदगी में ऐसी बात हुई कि 370 निकल गया. दैट वॉज द ग्रेटेस्ट, यू कैन से इट डिडंट चेंज मच फॉर अस. हमको क्या 370 से हमको क्या लेना है? कश्मीरी पंडित जो है, हिंदू है, उनको तो पहले भी प्रॉपर्टी अलाउड थी लेना. 370 did not do anything to us per se, but as an Indian, I was very happy that something was done which needed to be done decades early. Dam dikhaya aur nikal diya. It was the greatest, one of the greatest constitutional victories, you can say, for Indians as a patriotic Indian. Even you, me, sabke liye, patriotic Indians ke liye ek bahut hi bada movement tha. Correct. So the next step would be ki commission bithana. जी, ओके. कमीशन ऑफ इंक्वायरी और कमीशन ऑफ रिहैबिलिटेशन दोनों बिठाने हैं और इनको कंबाइन किया जा सकता है. बिकॉज जैसे लद्दाख हिल काउंसिल है बुद्धिस्ट दी गई थी, उससे पहले कारगिल हिल काउंसिल शियाज को दी गई थी, दार्जिलिंग हिल काउंसिल दी गई थी, वैसे ही कश्मीरी पंडित को मार्ट, मैं बोलता रहता हूँ सबको जो मुझसे पूछते हैं, पहलगाम से लेके मार्टंड जो टेम्पल है वहां पे काफी बड़ा एरिया 20-25 मील का, वो देना चाहिए एज ए कश्मीरी हिंदू हिल काउंसिल. उसमें जो पुराने, जिसमें जो विलेजेस हैं स्कैंटली पॉपुलेटेड हैं, वो मुस्लिम विलेजेस भी हैं, उनको वहां रहना चाहिए. नोबडी शुड बी डिस्प्लेड, वो तो अपने ही लोग हैं, उनका कल्चर हमारा जैसा है. ऐसा नहीं है कि उनको डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, डिस्प्ले, वो अच्छे लोग हैं, नाइस पीपल दोस विलेजेस, उनको वहीं रखना चाहिए. बट दैट एरिया कैन बी डेवलप्ड एज कश्मीरी हिंदू हिल काउंसिल, दैट इज द ओनली सोल्यूशन. ये कॉलोनीज में बेचना, अपार्टमेंट देना, दैट इज ऑल होम्योपैथिक, वीक होम्योपैथिक रिस्पॉन्स. एक पर्टिकुलर एरिया देना चाहिए जो 20-25 मील का हो, एंड वहां पे ही कश्मीरी हिंदू बस सकते हैं विद द लोकल मुस्लिम जो विलेजेस हैं, उनको वहीं रखना चाहिए. वहां अखरोट के पेड़ काफी उगते हैं, वो वाले लोग रहते हैं वहां पे जो उसकी काश्तकारी करते हैं, वो वहीं रहने चाहिए. वो हमारे दोस्त हैं, हमारी, दे आर आवर ओन पीपल. तो आपने अभी बोला कि कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी हिंदू, तो ये जो कश्मीरी मुस्लिम है उनके भी कुछ सरनेम मैंने देखा है, कोल है, भाट है, तो ये क्या मसला है? नहीं, मसला कुछ नहीं है. उन्होंने, आधे कश्मीरी मुसलमानों ने अपने पुराने सरनेम चेंज नहीं करे, ठीक है, व्हाई नॉट. उन्होंने भाट रखा है, कोल रखा है, विच इज वेरी गुड. वो अपनी, उनको अपनी पुरानी सभ्यता से प्यार है, उनको अपना कश्मीरी, तो मतलब उनको कन्वर्ट किया गया था. कश्मीरी 100% were कश्मीरी हिंदूज. इन 14th सेंचुरी वो सिकंदर बुद्ध शुकन आया था, उसने फोर्सफुली कन्वर्ट किया, लोगों को मारा, ये मार्टन टेम्पल को जलाया. दे वर ऑल फोर्सफुली कन्वर्टेड, दे ऑल्सो नो, वी ऑल्सो नो. और हमारी हिस्ट्री बहुत लिखी हुई है, ऐसी नहीं है कि जो ये है. 14th सेंचुरी में कन्वर्शन हुए थे मैसिव. तो रिलीव गलीव या सलीव तब से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है. रिलीव गलीव सलीव मतलब, रिलीव मतलब हमसे मिल जाओ, कन्वर्ट, गलीव मतलब मर जाओ, सलीव मतलब भाग जाओ. ये पहले से चल रहा है, कोई नई ये नारा नहीं है, ये तब से चल रहा है. कि हमारे सेवन माइग्रेशन हुई हैं, रिलीजियस माइग्रेशन आउटसाइड कश्मीर. हम 7 बारी वापस आए, ये 7वां बार था. 1990 वॉज द 7th माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी हिंदूज. सो मेनी, जैसे आपका सवाल था, मेनी कश्मीरी मुस्लिम्स जो कन्वर्ट हुए थे, मट्टूज थे, अपने ही तो थे, राजदान थे या कोल थे या दर थे, दर लिखते हैं वो, तो दे मेनी ऑफ देम आर प्राउड दे रोट, या पंडित है, कभी इश्तियाक पंडित होगा या कोई अबरार पंडित होगा, वो अपने सरनेम भी पंडित रखते हैं. तो इसमें ऐसा उनको कोई आपत्ति नहीं है. दे मस्ट बी प्राउड ऑफ देयर कश्मीरी पंडित हिंदू लीनेज. हाँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है. बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब बात करके और जान के. तो दर्शक के लिए मैं वही बोलना चाहूंगी कि आपने जो आज सुना, जो जिन्होंने सहा है, जिन्होंने, जिनके ऊपर हुआ है, तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर हमें लिख भेजिए, हम फिर से लाएंगे डॉक्टर कोल को और फिर हम बात करेंगे. और इसी आशा के साथ कि ये कोई
एंटी मुस्लिम नहीं है ये फिल्म ना एंटी किसी के एंटी है, बस ये एंटी टेररिस्ट है और सच्चाई दिखाया गया है ना डॉक्टर को? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, यो सम अपने सम इसको बड़ा जबरदस्त सम अप किया है। हाँ, तो मुझे लगता है मैं सबको बोलूंगी चाहे आपका रिलीजन कुछ भी हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी रिलीजन अगर मारना सिखाते हैं, अगर सिखाते हैं तो वो रिलीजन नहीं है। तो इसी के साथ आज का शो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। डॉक्टर कोल बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एंड नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.